हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरूनेस एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। टेक न्यूज शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैंने कल नोटिस किया था, उसके पहले भी जो मैंने नोटिस किया मेरे दो तीन वीडियोस में, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सिर्फ यूं ही सब्सक्राइब करके रखे सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस को जो डिसलाइक करने के लिए। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो जो लॉन्ग 7 मिनट के आसपास था और 2 मिनट के अंदर ही मैंने देखा कि मुझे 2 डिसलाइक्स आ गए थे। तो ये जो कुछ हेटर्स है, पता नहीं उनको मेरे चैनल से क्या दुश्मनी है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो जो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। कोई बात नहीं, मुझे जो है वो आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं इतना मोटिवेट हूँ कि आप जो मेरे वीडियोस पे इतने अच्छे लाइक्स छोड़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो मुझे चाहते हैं, जो जिसको मेरे वीडियो पसंद है, तो वो जो है वो मेरे वीडियो के ऊपर जितना हो सकेगा उतना लाइक छोड़िएगा। जिससे क्या होगा कि जो हेटर्स है उनके जो डिसलाइक्स होगी उसका कोई फायदा नहीं होगा और उनको पता चल जाएगा कि मेरे भी जो वीडियोस को लोग है वो पसंद करते हैं। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के सपोर्ट के और प्यार की वजह से जो मैं इतने अच्छे अच्छे टेक न्यूज बना सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। पहली खबर आ रही है OnePlus 3 की तरफ से। OnePlus 3 जो है वो फिलहाल जो उसकी इमेज जो लीक तो क्या आई, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जैसे स्पेसिफिकेशन जो लीक तो क्या आते थे, आप जो इमेजेस लीक तो क्या आई है चाइना के एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर आई है और इस इमेज से ये पता चलता है कि OnePlus 3 जो है वो शायद से मेटल बॉडी में होगा और पीछे आप देख सकते हैं इसके अंदर पहले जो फिंगरप्रिंट पीछे ही शायद होता था, तो आप जो फिंगरप्रिंट जो है वो आगे की तरफ डाल देंगे, जो वो होम बटन देंगे उसके ऊपर शायद से जो हमारा फिंगरप्रिंट होगा। और इसके अंदर जो है वो आप मॉडल नंबर दिखा रहा था कि 8-3000 रेम, इससे पता चला था कि ये जो है वो कंफर्म OnePlus 3 ही है और इसके अंदर शायद से ऑक्सीजन 3.0s का जो वो कस्टम रोम चलेगा एंड्रॉइड 6.0.1 के ऊपर, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज होगी, 3300mAh की बैटरी होगी, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है और स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर है और रैम की बात ये है कि 4GB हो सकता है या शायद से जो है वो 6GB का रैम हो सकता है। दूसरे पर जो है वो स्नैपडील की डील है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अमेजोन के ऊपर जो ये वॉच का जो डील चल रहा है अब तो स्नैपडील पे भी चल रहा है और स्नैपडील पे काफी इंटरेस्टिंग डील है। ये वॉच आप देख सकते हैं, ये कुछ आपको जो है वो 300 रुपए के आसपास मिल जाएगी, लेकिन इसकी बहुत अच्छी खासियत ये है कि इसकी जो अभी लंबा लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट वगैरह सब कुछ जो है फीचर्स है इसके। तो इसका जो एफिलिएट लिंक मेरे पास है नहीं तो मैं आप लोगों को स्नैपडील की ओरिजिनल लिंक दे दूंगा नीचे की डिस्क्रिप्शन में वीडियो में, तो आप जो वहां से जाके इसे खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी मिल सकते हैं आपको, ब्लैक भी मिलेगा, डार्क ब्राउन भी मिलेगा और जो लाइट ब्राउन कलर मिलेगा। तीसरी खबर आ रही है व्हाट्सएप की। जी हाँ, व्हाट्सएप का जो मोस्ट अवेटेड फीचर्स है यानी कि वीडियो कॉल्स, हम बहुत वेट कर रहे हैं कि व्हाट्सएप का वीडियो कॉल्स कब आएगा, तो बहुत जल्दी ही व्हाट्सएप का जो वीडियो कॉलिंग फीचर्स है वो आने वाला है। बेटा टेस्टिंग मोड के अंदर चल रहा है यानी कि जो डेवलपर्स है व्हाट्सएप के जो वो टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ इमेजेस लीक होकर आई है उसके अंदर दिख रहा है कि व्हाट्सएप का जो बेटा मोड है वो टेस्टिंग मोड में है, तो बहुत जल्दी जो शायद हमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो व्हाट्सएप का वीडियो कॉल फीचर मिल जाएगा। एक और छोटा सा फीचर साथ में है कि NFC टैग और QR कोड वगैरह टेक्स्ट का जो ये फीचर आ रहा है यहाँ से, इससे क्या होगा कि जो हम व्हाट्सएप जो ग्रुप यूज करते हैं वो क्या करेंगे कि व्हाट्सएप को जिसको ग्रुप में इन्वाइट करना है उसको जो QR टैग भेजेंगे या NFC टैग के जरिए जो है वो उसको बोलेंगे कि हमारे ग्रुप में जो एंटर करेगा, यानी कि जो हम स्कैन करते हैं कोड वगैरह, तो वो ऑटोमेटिकली जो वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो ये जो 2-3 फीचर्स व्हाट्सएप लेके आ रहा है, लेकिन जो मोस्ट अवेटेड फीचर है वीडियो कॉलिंग का, वो बहुत ही जल्द हमें जो है व्हाट्सएप में देखने को मिल सकता है। नंबर 4 पर आ रही है मोटो एक्स 2016 की तरफ से। जी हाँ, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मोटो एक्स 2016 जो है वो लीक होके आया है, तो अब जो उसकी स्पेसिफिकेशन जो कंफर्म हो गई है और ये पता चल रहा है कि मोटो एक्स 2016 जो वो 2 वेरिएंट में आएगा, एक जो है वो वेक्टर थिन जो कि हायर वेरिएंट है और दूसरे का नाम है वर्टेक्स जो कि लोअर वेरिएंट है। स्पेसिफिकेशन यू लिख करके आई है कि जो हायर वेरिएंट है उसकी स्पेसिफिकेशन 5.5 इंच का कोड एचडी डिस्प्ले मिलेगा आपको, स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर होगा, 3GB की रैम या फिर 4GB की रैम आपको मिल सकती है। जो लोअर वेरियंट है उसका 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है, स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर है, इसमें भी जो है वो 2GB या 3GB की रैम मिल सकती है। ये जो है वो चाइना के थ्रू पता चला है कि लेनोवो के वेबसाइट के थ्रू कि ये June 9th को जो शायद से लॉन्च हो सकता है। नंबर 5 पर है बहुत एक यूजफुल एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्लियर टैक्स। ये जो है वो टैक्स सर्विस और पोर्टल क्लियर टैक्स वाले लोग जो ये एप्लीकेशन निकाले हैं मोबाइल के अंदर, प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो ये फ्री में आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने मोबाइल में ही डायरेक्टली जो अपने IT रिटर्न्स के लिए फाइल कर सकते हैं, यानी कि आप जो वो फॉर्म 16 वगैरह जो भर सकते हैं और उसके जरिए जो अपना जो टैक्स पे करते हैं आप जो मोबाइल के जरिए ही जो पे कर सकते हैं।
एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो आपको जो है वो अपना डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड वगैरह का डिटेल्स डालना पड़ता है। उसके बाद जो आपको सारी डिटेल दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, तो टैक्स से रिलेटेड आपके जितने भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं कि कितना टैक्स पे हुआ, कितना मुझे पे करना है, ये सारी डिटेल्स जो है आपको ऑटोमेटिकली जैसे आप अपना डिटेल्स डालेंगे ये एप्लीकेशन आपको दे देगा। ये प्ले स्टोर में एकदम से फ्री है और बहुत अच्छा है, हैंडी है। ये जो वेब पे हम भरते थे डेस्कटॉप वर्जन में था, लेकिन अब जो है वो फोन में आपको दे दिया है। 6 के ऊपर आ रहा है इंटेक्स। इंटेक्स ने बजट फोन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंटेक्स क्लाउड फेम। इसकी स्पेसिफिकेशंस यू है, 4.5 इंच का WBG का डिस्प्ले है, 1 GHz का कोर कोर प्रोसेसर MediaTek का मिलता है, 1 GB की रैम है, 8 GB इंटरनल है, 32 GB तक आप जो उसको एक्सपांड कर सकते हैं, 5 MP का रियर फेसिंग कैमरा है, 2 MP का फ्रंट है, 1800 mAh की बैटरी है और बैटरी जो है वो 7 घंटे तक का जो दावा किया कि स्टैंडबाय में आपको चल सकती है। 4G फोन है, डुअल सिम है, ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इसकी प्राइस जो है वो उन्होंने बताया है कि 4000 के आसपास जो इसकी प्राइस है, तो अगर ये लॉन्च करता है तो शायद से इसको टक्कर पड़ सकती है माइक्रोमैक्स कैनवास का स्पार्क 2 प्लस है, उसको जो ये बहुत से टक्कर दे। नंबर 7 के ऊपर है लेनोवो का ज़ूप Z1। जैसे कि बहुत रूमर्स हो रहे थे, अब जो है वो लेनोवो का ज़ूप Z1 जो है वो आज जो है वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, और इसकी प्राइस की बात करें तो 18000 के आसपास जो बोल रहे हैं कि इसकी प्राइस जो है वो हो सकती है। प्राइस अभी तक लीक नहीं हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकेशन जो कंफर्म लीक हो गए। अब जो इसका स्पेसिफिकेशंस यू है, स्नैपड्रैगन का 801 का प्रोसेसर है, 2.5 GHz का जो इसके ऊपर जो क्लॉक है, 330 एड्रिनो का ग्राफिक्स है, 3 GB की रैम है, 64 GB का इनबिल्ट स्टोरेज है, लेकिन आपको जो है वो एक्सपांडेबल स्टोरेज नहीं मिलता है। 4100 की mAh की बैटरी है और इसके अंदर जो वो 2 नैनो सिम जाते हैं और ये जो है 13 MP रियर फेसिंग कैमरा के साथ आ रहा है। OIS का जो फीचर है कैमरे का इसके अंदर मिलेगा आपको, 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, इसके अंदर आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा होम बटन पे और जो इसके अंदर USB टाइप सी का जो उसका जो पोर्ट होगा। नंबर 8 पर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है इंडस OS। ये इंडिया का फर्स्ट रीजनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बहुत कम लोगों को पता था, जैसे कि साइनेजन OS होता है iOS, विंडोज और एंड्रॉइड, वैसे इंडस OS जो वो इंडियन मेड कंपनी का एक OS है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिसका सर्वे हुआ था 2015 में, ये पता चला है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलर OS ये है। iOS, विंडोज और साइनेजन को पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ एंड्रॉइड को नीचे, ये एंड्रॉइड के नीचे आ रहा है। और ये जो वो 25 हैंडसेट्स में अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं, हमें तो इसको यूज करने मिला नहीं है। जैसे कि साइनेजन OS का जो ये रॉम है, ये वैसे ही कस्टम रॉम की तरह मिलेगा आपको, बहुत सारे कीबोर्ड के फीचर्स है इसके अंदर। और इसके अंदर जैसे कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं, एप्लीकेशन मार्केट एप्लीकेशन मिलेगा, इंडियन एप्लीकेशन बहुत सारे इसमें मिलते हैं। तो ये मैं इंडियन गवर्नमेंट या मतलब जो हमारे जो ये OS जिसने बनाया उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सकेगा कि इसे जो वो पॉपुलर करें और हमें भी जितना हो सकेगा हम इसे पॉपुलर करेंगे, ताकि हमारा जो इंडियन ब्रांड है उसको जो वो पॉपुलरिटी मिलेगी और हमारे जो इंडियन ब्रांड को भी जो हम बोल सकते हैं दुनिया में कि भाई हमारा भी इंडस OS जो है वो चल रहा है, दूसरी जगह भी जो लोग यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, हम हिंदुस्तानी लोग के लिए, कि इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसका नाम है इंडस OS। नंबर 9 जो खबर आ रही है वो यू की तरफ से, यानी कि YU के जो को फाउंडर है राहुल शर्मा ने ये बताया कि उनका जो नेक्स्ट फ्लैगशिप डिवाइस होगा, अब उसमें जो होगा आपको साइनोजन नहीं मिलेगा, यानी कि वो जो फोन निकालेगा अब जो वो प्योर एंड्रॉयड यानी कि स्टॉक वर्जन पे चलेगा। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी उनके बीच में हुआ है साइनोजन OS के साथ जो उनका टाइप, अब जो वो खत्म हो गया है ये पार्टनरशिप। अब जो आपको जो भी यूरेका या वायु के जो भी नए फोन्स आने वाले हैं, अब जो आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड मिले। तो फाइनली हम आ गए हमारे कंक्लूजन की तरफ। जी हाँ, अगर आपको ये टेक्न्यूज पसंद आती है तो आप जरूर से इसे लाइक करिएगा, और मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जो हेटर्स लोग जो डिसलाइक करते हैं आप उनको दिखाने के लिए प्लीज मुझे हेल्प करिएगा, और ये जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं वहां पे जितना हो सके अपना लाइक छोड़ दिएगा, और मैं आपको इसी तरीके से ऑसम टेक्न्यूज देता रहूंगा। बीच में मेरी वीडियोज भी आएंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, तो मैंने बीच की वीडियोज डालना बंद कर दिया था। अब जो वो दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह के वीडियोस भी आते रहेंगे और अनबॉक्सिंग वीडियोस भी आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग एंड मेक अदर्स स्माइल एज वेल।